तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये वायरस रिमूवल का थर्ड पार्ट है और हम दो पार्ट पहले देख चुके हैं, जिसमें कि हम पिछले पार्ट में हम बहुत सारा ऑनलाइन टूल्स बताए थे और इस पार्ट में हम और भी ऑनलाइन टूल्स बताएंगे कुछ। और हम सारा जो पिछले वीडियो में बताए थे ऑनलाइन टूल्स, उससे हम सारा का सारा टूल्स यूज़ करके अपना सिस्टम स्कैन कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल ये रन कर रहा है, तो ये पांडा क्लाउड क्लीनर है और बेसिकली अभी इससे स्कैन चल रहा है, इसका फुल स्कैन चल रहा है। तो बेसिकली मतलब एकदम धर के रगड़ दिए हैं सब, सारा का सारा जितना भी पॉसिबल हो सकता था ब्लड हो गया भाई, जितना भी पॉसिबल हो सकता था स्कैन सारा का सारा कर रहे हैं। तो हम आपको और बता रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छा क्लीनर्स ऑनलाइन, तो जिसमें कि एक है जॉटी मालवेयर स्कैन, देख सकते हैं आप। उसके बाद है वायरस टोटल, उसके बाद वायरस टोटल है, इसका यूआरएल देख लीजिए, मेटा डिफेंडर है जॉटी का ये है। उसके बाद मेटा डिफेंडर का ये है, उसके बाद वायरस टोटल ये वाला, उसके बाद जॉटी मालवेयर स्कैन। अरे जॉटी का हम दो बार दिखा दिए, कोई बात नहीं स्कैन। लास्ट में है पांडा सिक्योरिटी, जिसका स्कैन अभी चल रहा है मेरे सिस्टम में, देख सकते हैं स्कैन चल रहा है। तो कहने का मतलब कि हम दुनिया का जितना भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ़िलहाल एंटीवायरस और मालवेयर स्कैन या और जो भी है, मतलब वगैरह वगैरह जो थ्रेट्स आते हैं, सारा का सारा यूज़ करके हम अपने सिस्टम को स्कैन कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब यूज़ कर चुके हैं। और इसमें एक बात हम आपको बताएंगे, लास्ट पार्ट है तो थर्ड और लास्ट पार्ट है ये, तो इसमें एक बार बताएंगे कि कभी भी अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल मत करें। मतलब एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिएगा तो वो बेसिकली सिंगल एंटीवायरस होगा, वो किसी और को इंस्टॉल होने नहीं देगा, उसके बाद वो आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। लेकिन एक्चुअली में अगर आप एक एंटीवायरस की जगह मल्टीपल एंटीवायरस से क्लीन करते हैं अपने सिस्टम को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी एक एंटीवायरस सफिशियंट नहीं होता है किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हर आदमी नहीं जानता। हर आदमी को लगता है कि यार एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेंगे तो बस हो गया, जय जय है, लेकिन ऐसे नहीं काम करता है सिस्टम, है ना। तो बेसिकली आपको करना ये है कि मतलब डिफरेंट टूल्स जो है, अलग अलग टूल्स से अलग अलग तरीके का, क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि कोई एक टूल्स जो है एक फाइल को डिटेक्ट करता है और दूसरा नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम ऑलमोस्ट सारा का सारा यूज़ किए हैं और एंटीवायरस हम इंस्टॉल नहीं करते अपने सिस्टम में, क्योंकि वो स्लो कर देता है सिस्टम को। बस पीरियडिकली जब हमको थ्रेट्स लगता है कि मतलब हमारा सिस्टम कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो बेसिकली उसके हिसाब से जो है हम काम करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट से अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, तो ये लास्ट पार्ट है और इसमें आखिरी प्रोसेस है। ये ऑनलाइन वाला वायरस स्कैन तो है सबसे लास्ट में किया कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली ये जो है सो लास्ट ऑप्शन है, मतलब लास्ट ऑप्शन नहीं, मतलब कहने का मतलब लास्ट में किया आता है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। फिर दिस अगर कहीं पे बच जाता है ना वायरस वायरस या मालवेयर या स्पाईवेयर, तो उसको रिमूव करने के लिए बस इसको यूज़ करते हैं लास्ट पर, वैसे ही सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ कि भाई कुछ है नहीं मेरे सिस्टम में। वैसे इससे पहले बहुत सारे टूल्स यूज़ कर चुके हैं, चला चुके हैं इसमें इसी सिस्टम में, मतलब स्कैन किए हैं। आप अगर फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं पांडा स्कैन चल रहा है, तो ऐसे ही काम करता है। अगर आप चाहते हैं तो कि आपका सारा का सारा सिस्टम क्लीन रहे, तो शुरू से मेरा सारा वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो धन्यवाद आखिरी वीडियो तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।